जाओ, बताओ क्या बात है। बेटा मैं तेरे पास एक विनती करने आया हूँ। तेरा एक कदम बहुत सी जिंदगियां बचा सकता है अगर तू उसे उठा सके तो। प्रधान जी, मेरा एक कदम अगर एक जिंदगी बचाता होगा तो मैं जरूर उठाऊंगा, बताओ। कीर्ति, बेटा तो अगर इस विधवा से शादी कर ले ना तो इसे पति मिल जाएगा, इस मासूम को एक पिता मिल जाएगा और तेरे मां बाप को बहू और पोता मिल जाएगा। हाँ प्रधान जी, पर ये निर्णय मैं नहीं ले सकता, ये निर्णय तो ये ले सकती है। क्या तुम भी तैयार हो? जा बेटी जा, ये है तेरा असली ठिकाना, जा अपने सास ससुर के पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले ले, जा बेटी। खुश रहो बेटा। खुश रहो। अब तो तुझे मुझे पापा कहना ही पड़ेगा। ले ओम प्रकाश, संभाल अपनी अमानत, मैं तो खामा खाई इतने साल से तेरी अमानत पर अपना हक जताए बैठा था। प्रधान जी, अगर सुबह का भुल्ला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भुल्ला नहीं कहते। मेरी झूठी शान और अहंकार ने तुम लोगों की खुशियों में तो विघ्न डाला ही है दिनेश, पर मुझे तो बर्बाद कर दिया। मैं तो लुट गया, लुट गया। प्रधान जी, कहाँ जा रहे हैं आप? चार धाम की यात्रा पर जा रहा हूँ। प्रधान जी, मैं भी एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे। बोल बेटा। अगर आप यहाँ रुक जाओगे तो मेरे पिता को एक भाई मिल जाएगा, माँ को एक देवर मिल जाएगा और हम दोनों को एक बुजुर्ग और मिल जाएगा और इस गांव को आपके अनुभवों का फायदा होगा जो चार धाम की यात्रा से कहीं बेहतर होगा। बेटा परसों गाय ब्याली, घर का दूध हो गया। इसने तो बछिया भी बहुत नस्ल की दी है, साहिवाल है। चाय ले आई बेटा? पापा पापा एक बात बता, सबके तो एक दादा और मेरे दो दादा। क्या बात है भाई, वाह। अच्छा जी, मैं तो चल रहा हूँ। अरे तू कहाँ चल दिया दिनेश? प्रधान जी, मेरी फैक्ट्री में बात हुई है, मैं आज से ज्वाइन कर रहा हूँ। बेटा फिर इस प्रधानी का क्या होगा? प्रधान जी, इस गांव के प्रधान पहले भी आप थे और अब भी आप ही रहोगे। मेरे तो 5 साल पूरे हो चुके हैं, गाँव आपकी बाट देख रहा है। ओम प्रकाश, काश भारत का हर नौजवान दिनेश जैसा हो जाए जिसे स्वार्थ और अहंकार छू भी नहीं सका।